गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कार्स में, जिसमें आज मैं आपको ग्रैंड आइटन न्योस की म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। यह है ग्रैंड आइटन न्योस स्पोर्ट्स वेरिएंट, जिसका ये म्यूजिक सिस्टम है। ये म्यूजिक सिस्टम ग्रैंड आइटन न्योस के स्पोर्ट्स वेरिएंट और एस्टा वेरिएंट में आता है। ये म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट करता है USB, AUX, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और ब्लूटूथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये म्यूजिक सिस्टम को अपन कैसे ऑपरेट करते हैं। ये है अपने म्यूजिक सिस्टम का पावर बटन। अपन इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको सिंगल टाइम प्रेस करेंगे ये वापस ऑन हो जाएगा। और साथ में ये वॉल्यूम कंट्रोल भी है, इसका नॉब जो है फर्स्ट वाला, ये वॉल्यूम कंट्रोल। फिर फ्रेंड्स, अपने पास ये दूसरा नॉब है जो कि एंटर स्विच है प्लस, इसको रोटेट करते हैं तो ये रेडियो में चैनल स्विच करता है। फिर उसके बाद ये अपना सेटअप स्विच है। सेटअप स्विच में अपन आ जाते हैं सेटिंग्स में, जिसमें अपन को डिवाइस कनेक्शन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, फिर नेक्स्ट आ जाता है एडवांस सेटिंग, फिर जनरल सेटिंग, साउंड सेटिंग और डिस्प्ले। तो अपन डिवाइस कनेक्शन चेक कर लेते हैं। इसमें आएगा ब्लूटूथ कनेक्शन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये तीन कनेक्शन इसमें शो करेंगे। फिर अपन बैक आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना एडवांस्ड। एडवांस्ड ऑप्शन में अपन आएगा ऑटोमेटिक जो कंट्रोल है वो कैसे होगा, तो ये जो है कस्टम बटन। कस्टम बटन इट मींस स्टार बटन। ये बटन को अपन चेंज कर सकते हैं कि इस बटन से क्या क्या काम कर सकती है गाड़ी। तो ये पहला है ब्लूटूथ ऑडियो। ये अपने आप इस बटन को अपन जैसे ही प्रेस करेंगे ये ब्लूटूथ मोड में स्विच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फोन। जैसे ही अपन फोन मोड में इसको रखते हैं तो ये बटन को प्रेस करने पर अपन फोन मोड में आ जाएंगे, मतलब कॉन्टैक्ट्स अपने शो होने लगेंगे। फिर डिस्प्ले ऑन ऑफ, जो बटन ये स्विच है पावर ऑन ऑफ वाला, तो ये यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने इसको रख रखा है DRVM में, मतलब वाइल अपन जब अपन गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए अगर अपन को रियर का व्यू देखना है कैमरे से, तो उसके लिए है ये DRVM। तो उसके लिए अपन को ये मोड पे रखना होगा। उसके बाद अपन को जो हैंड ब्रेक है गाड़ी का, ये हैंड ब्रेक पे गाड़ी नहीं होनी चाहिए। हैंड ब्रेक में DRVM काम नहीं करता है, तो अपन को हैंड ब्रेक पहले हटाना होगा। जैसे कि ये देखिए, मैं हैंड ब्रेक हटा दिया हूं। देन नेक्स्ट अपन को ये स्विच प्रेस करना होगा, तो ये अपनी गाड़ी का रियर व्यू शो करने लगा है। इसमें अपन को रियर व्यू शो करने लगा है। फिर वापस से अपन इसको प्रेस करें, फिर अपन वापस से इसको प्रेस करेंगे तो ये अपन आ गए वापस से इनिशियल पोजीशन। फिर नेक्स्ट है इसके बाद अपने पास जनरल सेटिंग। तो जनरल सेटिंग में ये आएगा ब्लूटूथ रिमोट लॉक। फिर नेक्स्ट है टाइम, डेट एंड टाइम। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज। नेक्स्ट है कीबोर्ड है, अपन कीबोर्ड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर अब है, ये है जब अपन म्यूजिक सिस्टम को ऑन रखते हैं तो ऑफ रखते हैं तो क्या शो करेगा। तो जैसे ही मैं म्यूजिक सिस्टम ऑफ करता हूँ तो मेरे में एकदम ब्लैक आउट हो जाता, क्योंकि मैंने स्क्रीन सेवर नहीं रख रखा है। ये हो गया अपना जनरल सेटिंग्स। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं साउंड। साउंड सेटिंग भी एडवांस सेटिंग है, ये अपनी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से वॉल्यूम को खुद सेट कर लेती है अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट अपन आ जाते हैं पोजीशन में। तो अपनी गाड़ी में चार म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो ये अपने पास चारों का एकदम मिड में वॉल्यूम बराबर पहुंचाएगा, ये उसके लिए है। उसके बाद अपन इसको जब चेंज करेंगे राइट ड्राइवर साइड के लिए, ये हो गया अपना राइट के लिए, को ड्राइवर साइड के लिए। फिर ये आ जाते हैं रियर पैसेंजर साइड के लिए, और ये आ जाते हैं अपन रियर ड्राइवर साइड के लिए। तो वापस अपन मिड में प्रेस करते हैं तो ये हो जाता है अपना इनिशियल। अपन इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू कि अपन को कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए अपन यहाँ भी ऐसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फ्रेंड्स वॉल्यूम लेवल्स में।
वॉल्यूम लेवल्स में अपन को सिस्टम साउंड की वॉल्यूम सेट करने को मिल जाएगा कि बीप, बीप का जो है वो अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि, तो मैं इसको 4 पर रख देता हूँ। और ये रिंगटोन है, जब अपने सिस्टम से जब अपना फोन कनेक्टेड रहेगा तो जो भी कॉल आएगा या मैसेज आएगा तो उसके लिए ये अपन को इसका वॉल्यूम सेट करना है। तो ये हो जाता है सेट। देन नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इक्वलाइजर। इक्वलाइजर में ये है अपना बेस, अपन को म्यूजिक सिस्टम का बेस कितना रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मिड में। मिड, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ट्राइब में। तो ट्राइब भी जो भी अपन को सेट करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो में जो है वह यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, तो इसको मैंने ऑफ रख रखा है। इसमें लोअर ऑल द अदर ऑडियो वॉल्यूम व्हेन द व्हीकल शिफ्ट आउट ऑफ पार्क एंड द कैमरा व्यू इज एक्टिव। मतलब जैसे ही अपन रिवर्स कैमरा ऑन करेंगे तो ये अपने आप वॉल्यूम को लो कर देगा, तो इसको अपन ऑन कर देते हैं। देन नेक्स्ट अपन आते हैं वॉल्यूम लिमिट ऑन स्टार्टअप। जैसे ही अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब फर्स्ट टाइम म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है, तो ये लिमिटर है, ये अपने आप वॉल्यूम को लो कर देगा। जैसे अपन ने कहीं गाड़ी पार्क की है और हाई वॉल्यूम पे अपनी गाड़ी है, तो ये अपने आप इसको लो पे कर सेट कर देगा जैसे ही अपन इनिशियली ऑन करेंगे। ये हो गया अपना साउंड। देन अपन आ जाते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में 4 ऑप्शन है, डिमिंग, ब्राइटनेस, ब्लू और डिफॉल्ट। तो पहला है ऑटो इल्यूमिनेशन। तो ऑटो इल्यूमिनेशन ये है, इस पे एडजस्टिंग द लेवल ऑफ डिस्प्ले इल्यूमिनेशन ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट ऑन वेदर द हेडलाइट्स आर ऑन और ऑफ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही अपना वेदर जो है, जैसे अपने फोन पे होता है ऑटो ब्राइटनेस, ये वही टाइप का एक हेडलाइट ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर अपने आप डिस्प्ले की जो लाइट है वो कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, ये मैंने हेडलाइट ऑन की तो ये डिम हो गई, फिर मैंने ऑफ की ये ज्यादा हो गई। तो ये उसके लिए। नेक्स्ट है ब्राइटनेस लेवल। तो ब्राइटनेस लेवल को अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लो, हाई और सेंटर। नेक्स्ट है इसके बाद नाइट। नाइट मोड में भी अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो है रिड्यूस आई स्ट्रेन बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट एमिट्स व्हेन आउटसाइड ब्राइटनेस इज लो। इसका मतलब ये है कि बाहर का जब लेवल है, ब्राइटनेस लेवल जो है वो काफी कम होगा, तो उसमें ये अपने आप लाइट को डिम कर देगी, मतलब ब्लू लाइट ऑन कर देगी। तो ये शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं अपन, टाइम टू टाइम अपन कर दिए रात के 9 से सुबह 6 बजे के लिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं डिफॉल्ट में। तो यहाँ पर अपन रीसेट कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स अपन ने चेंज किए हैं उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, तो ये हो गई अपनी म्यूजिक सिस्टम की सेटिंग्स। इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। तो ये मीडिया स्विच, जैसे ही अपन कोई पेन ड्राइव पुट करेंगे या फिर ब्लूटूथ कनेक्शन होगा, तो मीडिया स्विच करने पे वो ऑटोमेटिकली FM से ब्लूटूथ या फिर USB में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ जाते हैं, तो रेडियो, ये रेडियो स्विच है जिससे अपन रेडियो में पहुंच जाएंगे और रेडियो में जो भी चैनल्स हैं अपन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, FM, AM जो भी है वो अपन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन कोई नया चैनल है जो अपन ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बैक आते हैं, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सीक। तो जो अपने सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग जो अपन प्ले कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे या पीछे करने के लिए सीक बटन है, ये ट्रैक करेंगे अपन तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा, तो ये अपने आप चैनल सर्च करके खुद बजने लगेगा। फिर नेक्स्ट अपन सीक बैक पे जाएंगे तो ये पीछे जो भी चैनल चालू होगा ये वहां पर ढूंढ के खुद ही चालू हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अपने अपना म्यूजिक सिस्टम का सारा डिटेल्स। यहाँ पर है अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये अपन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जाते हैं, ये ब्लूटूथ कनेक्शंस, देन यहाँ से अपन अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा।